वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुरेल राउत। कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी है। नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पार्टी की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मानते हुए इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पार्टी को बचाने और नेताओं को एकजुट करने की बजाय लंदन निकल लिए। वे लंदन गए तो लेकिन उन्होंने वहां जो कहा वो कोड़ में खाद जैसा ही है। कांग्रेस की हालत देश में वैसे भी बेहद खराब है। कांग्रेस पर हिंदू विरोधी, देश विरोधी होने के लेबल चिपके हुए हैं, लेकिन इन लेबलों को उतारने की बजाय राहुल गांधी उनकी स्याही को और गाढ़ा करते हुए दिख रहे हैं। वे पार्टी की छवि देश के लोगों के बीच में ऐसी बना रहे हैं कि हाँ, उनकी पार्टी देश विरोधी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विदेशी मंच पर राहुल गांधी ने देश के बारे में जो कहा है वो एक समझदार राजनेता तो कभी नहीं कह सकता। राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल कर दी, और ऐसी धूमिल की कि राहुल गांधी को ये देश अब रहने लायक नहीं बचा है, ऐसा लगने लगा है। उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ ही चीन और भारत के संबंधों की तुलना रशिया और यूक्रेन से कर दी है। अब राहुल गांधी की समझ पर उनकी पार्टी के नेता ही माथा पीट रहे होंगे, लेकिन इससे ज्यादा और वे कर भी क्या सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी लंदन में आयोजित सम्मेलन आइडियाज फॉर इंडिया में शामिल होने के लिए गए हैं। उनके साथ जिन नेताओं की टूली गई है उन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि आयोजन देश विरोधी प्रोपेगेंडा की एक साजिश ही हो सकता है। ऐसे आरोप बीजेपी भी लगा रही है। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही है। उन्होंने चीन और भारत के संबंधों के बारे में कहा, रूस यूक्रेन में जो कर रहा है कुछ वैसी ही स्थिति चीन ने लद्दाख में पैदा की है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यही कह रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं कि तुम अमेरिका के साथ गठजोड़ करो, मैं तुम पर हमला करूंगा। यूक्रेन में जो हो रहा है और लद्दाख में जो हो रहा है उनकी तुलना करिए, कृपया आप देखिए दोनों जगह समान स्थिति है, क्योंकि यहां पर भी मोदी सरकार बात करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने इसके आगे जो कहा वो और भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से कर दी। उन्होंने जो कहा उसका मजमून ये है कि भारत अब रहने लायक देश नहीं रह गया है, पाकिस्तान जैसे यहां हालात हो गए हैं। राहुल यहां बोले, हमारी पार्टी भारत को फिर से हासिल करने के लिए लड़ रही है। बीजेपी लोगों की आवाज दबाती है जबकि हम लोगों की आवाज को सुनने के लिए काम कर रहे हैं। भारत उन संस्थानों पर हमले देख रहा है जिन्होंने देश का निर्माण किया है, जिस पर अब डीप स्टेट का कब्जा है। बीजेपी की सरकार और आरएसएस देश को एक भूगोल की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए भारत लोगों से बनता है। भारत में इस वक्त अच्छे हालात नहीं है। बीजेपी देश में केरोसिन छिड़कने का काम कर रही है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी वाकई विदेशी धरती पर जाकर सच बोल रहे हैं? क्या वाकई भारत में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे भयावह हालात हो गए हैं? क्या वाकई भारत रहने लायक नहीं रह गया है? और इतने खतरनाक हालात अगर है और ये सच है तो सड़कों पर ये दिखना भी चाहिए, जो दिख क्यों नहीं रहा है? और अगर ये झूठ है तो फिर राहुल गांधी को देश से विदेशी धरती पर भारतीयों को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी शायद भूल गए थे कि वे जिस भारत की बात कर रहे हैं वे उसी भारत के निवासी हैं, इटली के नहीं। राहुल जी की इस नादानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज।